लॉकडाउन में सब्जियों के भाव खूब गिरे, लेकिन अब अनलॉक के साथ बरसात भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में सब्जियां भी भाव खाने लगी हैं, खासकर अपनी लाली से खाने का जायका बढ़ाने वाला टमाटर इन दिनों खूब लाल नजर आ रहा है। रांची के सब्जी बाजार में लोकल टमाटर काफी कम आ रहे हैं। बारिश की वजह से टमाटर की उपज पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। यही वजह है कि रांची के बाजारों में बंगलुरु का टमाटर 50 रुपए से लेकर 70 रुपए किलो तक बिक रहा है। टमाटर बेचने वाले भी ये मानते हैं कि आने वाले समय में टमाटर का भाव 100 रुपए तक पहुंच सकता है। लाली बाहर का टमाटर है, बेंगलोर से आता है। लोकल टमाटर जो है बहुत खराब आने लगता है, दागी लाने लगता है, कस्टमर पसंद नहीं करता है। अब बरसात कारण से लोकल टमाटर जो है सब किसान लोग का बर्बाद हो जाता है, सड़ जा जाता है, लोकल नहीं चलता है। हर साल बरसात में टमाटर तेजी हो जाता है। ये बाहर वाला टमाटर जो है अभी बाहर से आ रहा है। क्या करिएगा, अभी जो है सारा ही सब्जी बढ़ रहा है। अब सावन आ रहा है, चूंकि तो सावन भर पूरा सब्जी जो है सब महंगा ही रहेगा। ऐसे भी बारिश के दिनों में सब्जियों के दाम में काफी बढ़ोतरी होती है, लेकिन खास तौर पर यदि हम बात करें टमाटर की, तो टमाटर की कीमतों से ग्राहक बेहद ज्यादा परेशान है। टमाटर की कीमतों पर ग्राहकों का कहना है कि जहां एक तरफ कोरोना के कारण लोग परेशान हैं, तो वहीं टमाटर की कीमतों से भी लोग परेशान हैं। गौरतलब है कि बेंगलुरु के टमाटर और लोकल टमाटर के स्वाद में काफी फर्क होता है। महंगा तो है, पर अभी समय सीजन जो चल रहा है उस हिसाब से गांव देहात में जो लगा हुआ था वो खत्म हो गया है, बाहर से जो आया इसी वजह से महंगा है। गौरतलब है कि लोकल खेती पर सरकार को विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि झारखंड में बड़े पैमाने पर टमाटर की खेती होती है, लेकिन रांची के सब्जी बाजारों में लोकल टमाटर पूरी तरह से गायब है। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन अविदास के साथ अंजनी की रिपोर्ट।